सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडिया को और दबाइए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। नमस्कार दोस्तों, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी आया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, शायद आप लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फैट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ चुका है, उसके साथ साथ थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, कमजोरी महसूस होती है और उसके साथ साथ शरीर में सुस्ती भी रहती है, तो उन सभी समस्याओं के लिए आज जो मैं ये लेकर आया हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तरीके से ये एनर्जी ड्रिंक है जो कि आपको कुछ मात्रा में लेना है। इससे आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छा रहेगा और आपके शरीर को हमेशा फ़ायदा देगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूँ जो कि आपकी फ़ैट के लिए और पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रखा हुआ है मैंने गिलास में, बस आपको डेली इतना लेना है। इससे आपको पेट में फैट के लिए, उसके साथ सुस्ती, थकान, कमजोरी सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपने सुना भी होगा कि डेली एक एप्पल खाइए और डॉक्टर के पास ना जाइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एप्पल खाना भी ना हो तो आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप देख रहे हैं ना, ये एक एप्पल साइडर विनेगर है जो कि आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये देखिए, हेल्थ विट का है एप्पल साइडर विनेगर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे फैट आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ आपको सुस्ती, कमजोरी, आलस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इसको दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको एक ही बार यूज़ करें, इससे भी आपका धीमे धीमे करके रूटीन जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद इसमें कोई डिस्काउंट भी चल रहा है, तो लिंक पर आप चेक कर सकते हैं कि डिस्काउंट क्या चल रहा है, ठीक है। हेल्थ विट का है एप्पल साइडर विनेगर। तो इसके बारे में मैं आपको और क्या क्या बताऊं, इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं। नेचुरली फर्मेंटेड हिमालय एप्पल जूस विथ 5% एसिडिटी, नेचुरल एंड प्योर विथ गुडनेस ऑफ मदर विनेगर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एप्पल साइडर विनेगर। तो क्या करना है आपको, इतना सा गिलास में इतना सा डालना है। अगर आप ऐसे ही पी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको गर्म पानी में पी सकते हैं और सादा पानी में भी पी सकते हैं। ये आपके पेट के लिए, हाजमा के लिए, फैट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप देखो सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में अगर आप इसको गर्म पानी में भी लेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गर्म पानी में भी लेने से आपको इससे फ़ायदा रहेगा, ताकि आपका पेट जो है वो रेगुलर में अच्छे से साफ़ हो। पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि पेट अगर साफ़ नहीं रहेगा तो आपके शरीर में फैट उत्पन्न होगा, फैट बढ़ेगा तो आपकी दिक्कत होगी। उसके साथ साथ आपके पेट की दिक्कत से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पाइल्स की हो गई और भी बहुत सारी, कब्ज़ की हो गई, एसिडिटी की हो गई, ठीक है। तो उन सभी समस्याओं से भी आपको आराम मिलेगा। तो एप्पल साइडर विनेगर को आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर यूज़ नहीं करना है तो आप डेली एक सेब खाइए, ठीक है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूं, मैं आपको कुछ कोई टिप मतलब एक साधारण तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कृपया करके जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा कम खाइए। मतलब जो उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये फालतू की चीज़ हो गए, या सैंडविच हो गई, मतलब जो मतलब फालतू की चीज़ें हैं जो आपकी जीभ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, स्ट्रीट फूड हो गया ये फालतू का, ये आपको हमेशा नुकसान देगा, आपके पेट को नुकसान देगा, आपके शरीर को नुकसान देगा। आप वैसी चीज़ें खाइए जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। बस मैं आपको यही सलाह देना चाहता था। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सुबह टहलिए, मेडिटेशन करिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि देसी इंडिया आपके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देसी इंडिया से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और आप ऐसी सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए धन्यवाद।